गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को पाठ चार धातुएं एवं अधातुएं, इसे अंग्रेजी में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं, के वीडियो भाग एक में आप सभी को धातु तथा अधातुओं के बारे में पढ़ाए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को इसके बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। ठीक बच्चों, यदि आप अपने आसपास नजर डालेंगे तो आपको बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसमें से कुछ वस्तुएं धातु होती हैं, कुछ वस्तुएं अधातु होती हैं। अब आप इनको कैसे पहचानेंगे कि यह वस्तु धातु है, यह वस्तु जो है अधातु? तो इसी की पहचान के लिए आज मैं आपको इस वीडियो में धातुओं एवं अधातुओं के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको धातु के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, इसके पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें और आप सबको बताना चाहता हूं कि बच्चों, अभी तक जो है लगभग 180 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से कुछ तत्व प्रकृति द्वारा है, कुछ तत्व जो है मानव द्वारा निर्मित है। तो अब मैं आपको धातु के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आइए बच्चों, धातु किसे कहते हैं? तो धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन होकर धन आयन बनाते हैं, इसे अंग्रेजी में केटायन बोलते हैं। कि बच्चों, हाइड्रोजन को छोड़कर अब इसी तरह आपका अधातु है, लेकिन अभी मैं इस टॉपिक में सिर्फ धातुओं के बारे में पढ़ाएंगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, धातुओं के भौतिक गुण। बच्चों, धातुओं के निम्नलिखित भौतिक गुण होते हैं, उनमें से पहला है भौतिक अवस्था। ठीक बच्चों, तो धातु जो होता है कमरे के ताप पर ठोस होता है। ठीक, लेकिन मरकरी और गैलियम, मरकरी HG और गैलियम को छोड़कर सभी भौतिक अवस्था में समान ताप पर ठोस होते हैं। तो अब आता है दूसरा पॉइंट, चमक। तो बच्चों, धातुओं में चमक होती है। जैसे आप सोना ले लीजिए, इसमें चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। अब कठोरता के आधार पर व मजबूती के आधार पर धातुओं के भौतिक गुण। तो बच्चों, धातुएं समांतर ठोस होती हैं और मजबूत होती है। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब धातुएं ठोस होती है। ठीक, जैसे आपका यकीन आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक, ये सब क्या होती है? ठोस होती है, लेकिन कुछ धातुएं सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। ठीक, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ठीक बच्चों, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों धातुएं मुलायम होती हैं, इन्हें हम चाकू से आसानी के साथ काट सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हो गया। अब आता है विशेष घनत्व, डेंसिटी। अधिकतर धातुओं का
उच्च विशेष घनत्व होता है, जैसे पारे का जो विशेष घनत्व होता है वह 13.6 होता है। पारे का घनत्व होता है वह 13.6 होता है सोना AU आरा, ठीक। सोना का जो है सूत्र जो है AU है, इसका जो घनत्व होता है 19.3 होता है। कितना होता है बच्चों 19.3 होता है। और इस है इसी साथ ठीक। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका अर्थात वर्ध्यता वर्ध्यता। तो बच्चों धातुओं को एक हथौड़े से पीट करके उन्हें चद्दर के रूप में बनाया जा सकता है, जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनको यदि हथौड़े से पीटते हैं तो क्या होते हैं फैल जाते हैं। तो और इनको यदि हम क्या है तान करके तार भी बनाते हैं। अब अगला पॉइंट है चालकता। बच्चों जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे चालकता के बारे में, ठीक। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, ठीक। एक विद्युत के भी सुचालक होती है। अब आता है गलनांक। गलनांक में धातुओं के गलनांक व क्वथनांक, धातुओं के गलनांक व क्वथनांक अधातुओं की अपेक्षा अधिक होता है। तो बच्चों अब मैं आप सभी को अधातुओं के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों अब मैं आप सभी को अधातु के बारे में पढ़ाएंगे। अधातुएं क्या होती हैं, ठीक। तो अधातु नॉन मेटल्स, अधातुएं वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को खो करके ऋण आयन बनाते हैं। इन्हें अंग्रेजी में क्या बोलते हैं एन आयन। तो धातुओं की तरह भी धातुओं के भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो इसमें भौतिक अवस्था में धातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। एक तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठीक। आपको धातु में मरकरी गैलियम के बारे में बताए थे। एक रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक। यहाँ पे आपके कार्बन और सल्फर सी मतलब कार्बन यस सल्फर, ठीक। सूत्र है रासायनिक सूत्र तत्वों के नाम जिसे कहते हैं। तो ठोस अवस्था में कार्बन और सल्फर पाए जाते हैं, ठीक। कार्बन के दो अपरूप होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं डायमंड और ग्रेफाइट। अब द्रव अवस्था में कौन सी अधातुएं हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक। ब्रोमीन यह अधातु है, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। और गैसीय अवस्था में प्रायः अधातुएं गैसीय अवस्था में ही पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अब दूसरी हेडिंग है आपकी चमक। अधातुएं
में चमक नहीं होता है ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट क्या है अभी अभी आपको मैं बताया, कार्बन के दो अपरूप होते हैं, फिर डायमंड, डायमंड और ग्रेफाइट जो अपरूप है, कार्बन के अपरूप, ठीक। तो कार्बन के दो अपरूप होते हैं डायमंड और ग्रेफाइट। तो धातु में चमक नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे अपवाद है का ग्रेफाइट में चमक होती है, ठीक। अब आता है तीसरा, कठोरता और मजबूती। कठोरता और मजबूती के आधार पर अधातु में कठोर व मजबूत नहीं होती, लेकिन अपवाद के रूप में हीरा, हीरा अभी भी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि यह बहुत कठोर होती है, हीरा डायमंड जिसे कहते हैं, तो यह अपवाद के रूप में है। तो आप विशेष घनत्व में, तो जैसे आपका दिया था अधातुओं का विशेष घनत्व जो होता है वह धातुओं की अपेक्षा बहुत कम होता है, ठीक। अधातु वर्धता व तन्यता, तो अधातु में अगर हम पीड़ते हैं तो इसमें इस प्रकार की जो करेक्टर होते हैं नहीं पाए जाते हैं और तन्यता भी नहीं होती है। अधातु में अधातु वर्धता व तन्यता नहीं पाई जाती है। बेटा अब आता है चालकता। आपको बताया कि बच्चों कि जो धातुएं होती हैं यह विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुओं में चालकता नहीं होती है। गलनांक और क्वथनांक जो है धातुओं की अपेक्षा इसमें कम पाई जाती है। तो बच्चों मैं आप सभी को इसके भौतिक व रासायनिक गुण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएं।